हैदराबाद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत गांव करौंदा में। और जैसे कि हमने मेरा जयेंद्र सिंह है, ग्राम पंचायत करौंदा का प्रधान हूँ मैं। सर जल निगम वाले बहुत परेशान किए हैं, हर गांव में, मतलब हमारे गांव में भी नाली खुदी डली है और लाइनें भी नहीं अभी कुछ डली हैं, कुछ कुछ जगह कनेक्शन हो गए हैं, कुछ जगह वैसी तो सीसी मिटे पड़े हैं, तो बरसात में बहुत दिक्कत जा रही है लोगों को। तो जैसे कि नहीं, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया योजनाएं चल रही सरकार की, आवास योजना बहुत अच्छी योजना चल रही, जो आवास बन रहे हैं हमारे गांव में भी आवास बहुत सारे बने हैं। और जिससे तो आगे पहले तो जो सीसी करवाएंगे पूरे गांव में जो मचे हैं, तो सीसी करवाएंगे और पुलियां भी बनवाना है, पुलियां जो मतलब मेन रोड जाने के लिए खेतों की तरफ, तो पुलियां भी बनवाना है। तो जैसे जैसे बजट आता जाता है तो काम करवाते जा रहे हैं, जो जरूरी जो जहाँ जरूरी है वृक्षारोपण कराए जाते हैं, ज़्यादा लक्ष्य दे देते उतना देख रेख नहीं हो पाती है। अगर कम लक्ष्य दें और उसकी अच्छे से देख रेख करवाएं तो हो सकती है, लेकिन अब 10,000 का लक्ष्य दे दिया और 10,000 लगवाते हैं, गाय खा जाती हैं, उनको देख रेख नहीं हो पाती है। अच्छा देख रेख। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत गांव करौंदा में। और जैसे कि हमने आपको और भी जगह की तमाम क्या कुछ हकीकत और धरातल पर क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या कुछ वहां पे व्यवस्थाएं देखी जा रही है, जो सरकार की तमाम योजनाएं, जो मूलभूत सुविधाएं सीधे लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्या कुछ धरातल पर देखा जा रहा है। और आज हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ आज वर्तमान स्थितियां गांव की देखी जा रही हैं और किस तरह वो सीधे लाभार्थी को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कौन कौन पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों को लाभ यहां पे जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनको मिलते हुए देखा जा रहा है। तमाम मुद्दों पर हम जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ यहाँ पर वास्तविकता हकीकत इस गांव की भी देखी जाती है, वो भी हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी स्वागत है आपको भाई साहब, क्या नाम? जी नाम मेरा जयेंद्र सिंह है, ग्राम पंचायत करौंदा का प्रधान हूँ मैं, विकासखंड मेहरौनी जिला ललितपुर। अगर हम बात करें अभी वर्तमान हालातों की, जैसे सड़कें हो गई, पानी हो गई, पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली हो गई, स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, क्या क्या जो सुविधाएं सरकार के सीधे लाभार्थी तक पहुंचने का वहां पे धरातल पर देखा जा रहा है, जैसे कि सीधे लोगों को लाभार्थी को जो लाभ मिल सके, क्या कहेंगे वर्तमान सरकार के बारे में? नहीं, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया योजनाएं चल रही सरकार की, आवास योजना बहुत अच्छी योजना चल रही, जो आवास बन रहे हैं हमारे गाँव में भी आवास बहुत सारे बने हैं। और जिससे जल निगम वाले बहुत परेशान किए हैं, हर गांव में, मतलब हमारे गांव में भी नाली खुदी डली हैं और लाइनें भी नहीं अभी कुछ डली हैं, कुछ कुछ जगह कनेक्शन हो गए हैं, कुछ जगह वैसी तो सीसी मिटे पड़े हैं, तो बरसात में बहुत दिक्कत जा रही है लोगों को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गांव करौंदा में भी हालात देखने को मिल रहे हैं, जो कि गांव जगह जगह में देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि वहां पे जो सड़कें खोदी गई हैं उनको नहीं भराया गया है, महीनों भी बीत गए और सालों भी बीत गए, यही हालात यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि काफी यहाँ पे परेशानियां यहाँ पे देखी जा रही है, जो सड़कें पहले एक समय मजबूत कराने का इन्होंने काम किया था, वो आज सड़कें तोड़ दी गई है, स्कूली आने जाने बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, किसान भी मजदूर भी वहां पे परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनको भी निकलने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अगर हम वाहनों की बात करें तो वो भी बीच में ही धंसकर रह जा रहे हैं, और अगर हम सड़कों की बात करें तो वो एक तरह से दलदल बनते हुए देखा जा रहा है। वर्तमान सरकार लगातार बताया जा रहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो बीच में जो लोग हैं उनको बिचौलिया भी कह सकते हैं, तो उनकी लापरवाही के कारण, उनकी मनमानी के कारण ये सारी जो लापरवाहियां हैं वो वहां पर देखने को मिल रही है। अगर हम नाला नालियों की बात करें तो, और साफ सफाई की बात करें तो वो क्या मनरेगा के तहत काम चल रहा है, नाला भी सफाई करवाए हैं, कुछ लिंक रोड भी मतलब करवाया है, जो अपना मेन रोड है टकड्डा से जाने के लिए, तो उसमें भी वो काम करवाया है मनरेगा के तहत, और बनियां भी डलवाई हैं, पर्सनल बनियां जो रहती हैं, तो 5-6 बनियां भी हमने डलवाई हैं, मनरेगा के तहत काम चालू है। अब पानी गिर गया तो अब कुछ बंद भी है, मतलब अब जैसे पानी खुलेगा तो फिर चालू होगा काम, तो लोग काम भी मिल रहा है अच्छे से। अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें, गांव-गांव में तैनात भी सफाई कर्मी है, क्योंकि सफाई गांव में जो कि जिन लोगों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, क्या वो बाकी में वहां पे काम करते हुए देखे जा रहे हैं? हाँ, सफाई कर्मचारी हैं, वो करते हैं अभी, लेकिन ट्रांसफर हो गया है, अब कुछ दिन बाद अब नया आने वाला है तो शुरू हो जाएगा, मतलब फिर से अभी एक हफ्ते से करीब बंद है थोड़ा। अगर हम और बात करें समस्याओं की, और गाँव में क्या क्या समस्याएं थी? समस्या तो मेन तो यही है, सीसी अभी नहीं डल पा रहे, हम काम नहीं करवा पा रहे उसमें, क्योंकि हम कनेक्शन नहीं हुए हैं अभी, तो कनेक्शन हो जाए तो पहले सीसी में सुधार करेंगे, कुछ पुलियां भी बनना है, तो पुलियां के लिए बजट थोड़ी, पंचायत छोटी है तो बजट कम आता है, तो जैसा आता जाता है तो काम करवाते जा रहे हैं। तो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि जो गांव में वो सड़कों को और भी मजबूत करवाना चाहते हैं, पक्की बनाना चाहते हैं, सीसी रोड वहां पे डलवाना चाहते हैं,
लेकिन पाइपलाइन वहां पर बिछाई गई और वहां का काम आधा अधूरा वहां पर डाला हुआ है, जिस कारण वह आगे भी और गाँव के में काम नहीं वो कर पा रहे। अगर हम बाकी शिक्षा व्यवस्था की भी हम अगर बात करें तो वो क्या कुछ वहां पे दिखी जा रही? शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, मैं स्कूल में जाता हूँ, देखता हूँ बढ़िया टाइम पे सारा टीचर आते हैं और देखता रहता हूँ हफ्ते 15 दिन में, मतलब जाता हूँ देखाता हूँ। अगर हम विद्युत की बात, विद्युत व्यवस्था की बात करें तो अभी तो दिक्कत थोड़ी थोड़ी कटौती दिन में होती है, रात में ठीक आती है। अच्छा, कटौती लगभग मतलब कि कितना मिलना चाहिए लोगों को, कितनी ज्यादा उसकी कटौती हो रही है? कटौती दिन में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी अब तो सुधार हो गया है, बहुत कुछ सुधार होता जा रहा है, लाइनें भी नई डल गई हैं तो सुधार हो रहा है उसमें, तो सरकार का अच्छा कदम है, सुधार हो रहा है उसमें। बाकी अगर हम तालाब की बात कर ले, शमशान घाट की बात कर ले, तालाब में अमृत सरोवर हम लोग चिन्हित कर लिया है, अब बरसात बाद उसका एस्टिमेट बनवा के उसका काम चालू करेंगे। बाकी स्वास्थ्य पर भी सरकार लगातार जोर दे रही है, सरकार को कम से कम समय में मतलब जल्द से जल्द उनको जो स्वास्थ्य सेवा है उनको मिल सके। स्वास्थ्य सेवा में हमारा जो पंचायत सहायक है तो वो ऑनलाइन वो उसके वो करवा रहे हैं, उसके अपने कार्ड रहते जो उसके तो वो बन रहे हैं। अगर हम राशन की बात करें, सरकार जो है गरीब असहाय लोगों को राशन मिल सके सस्ते दामों में, निःशुल्क भी उपलब्ध करा रही है, तो उनकी क्या स्थिति अभी आपके गांव में देखी जा रही है? जैसे कि कुछ गांव में ये भी हालत देखने को मिल रहे हैं कि राशन कार्ड लोगों के जो गरीब असहाय जो बाकी में पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो गाँव में क्या कुछ हैं ऐसे कि जिनके नाम भी कट गए हैं, बच्चों के नाम कट गए, दो नाम जुड़े हैं, दो बच्चों के कट गए हैं, ऐसे कुछ हैं। अब वो साइड वाइड नहीं चलती, दिक्कत है वो, प्रॉब्लम तो नहीं हो पा रहे हैं कुछ, लेकिन बाकी मिलता रहता है। और जब नहीं मिलता तो शिकायत करते तो उसमें हम उसको बुला के कोटेदार को मतलब डांट देते हैं कि दे उनको, तो मिल जाता है उसको। अगर हम बात करें राशन में कि जो नाम लोगों के कट जा रहे हैं, परिवारों के नहीं जुड़ पाते, लोगों के लंबा समय हो जाता है, किसी को महीनों बीत जाता, किसी को सालों भी बीत जाते, लेकिन फिर भी उनके राशन लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाते, नहीं जुड़ पा रहे। तो वजह किन की मानी जा सकती है? लापरवाही शासन की मानी जाती है? उन लोग को भेजते हैं तो बोलते हैं ऑनलाइन साइड नहीं चल रही, क्या बोलते, तो कुछ उसमें दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हो ना हो कहीं ना कहीं फॉल्ट देखने को मिलता है, चाहे वो वेबसाइट हो। और अगर हम विभाग की बात कर रहे हैं तो विभाग में भी शायद यही देखने को वहां पे मिलता है कि बापे जो कागजात भी वहां पे जमा करवा लिए जाते हैं, उस समय वेबसाइट भी चलती हुई देखी जाती है, लेकिन उनके नाम भी नहीं जोड़े जाते हैं, क्योंकि लापरवाही केवल यही देखने को मिलती है कि विभागीय अधिकारियों की भी लापरवाही है, वहां पे कुछ देखी जाती है। ये लोग सीधा बताते हैं और लोग किस तरह परेशान होते हैं वो खुद बताते हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना होता है। अगर हम बात करें सरकार वर्तमान में जैसे खाने के लिए राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही है, निःशुल्क रहने के लिए जो जिनके पास घर नहीं है, गरीब असहाय लोग हैं, उनको आवास भी उपलब्ध करा रही है, पेयजल व्यवस्था भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है, शिक्षा भी निःशुल्क दे रही है और विद्युत व्यवस्था भी उनको घर पहुंचाने का काम कर रही है, स्वास्थ्य सेवा भी अच्छी देने का सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार जो गरीब असहाय लोग हैं उनको सीधा पहुंचाने का काम कर रही है, तो किस तरह उनको इस इन योजनाओं का लाभ मिलते हुए देखा जा रहा है? योजना को लाभ मिल रहा है उनको, डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं उनके जी। तो अच्छा, ये सो जो दावे हैं सरकार के सारे हवा हवाई साबित हो रहे हैं या कुछ फेल होते हुए दिखे जा रहे हैं? सारे दावे जो है सफल होते हुए नहीं, दावे सफल हैं जी। काम बढ़िया कर रही है सरकार, या तो सरकार ने घर घर चूल्हा पहुंचाने का भी काम, सिलेंडर भी दिए हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जो अच्छी चल रही हैं, राशन भी मिल रहा है, 3-4 साल हो गए जब से कोरोना के समय से, कोरोना में बढ़िया काम किया है सरकार ने, मोदी जी का काम बहुत अच्छा काम है। अगर हम आगामी बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि हम सड़कों को मजबूत कराने का काम कर रहे हैं, वर्तमान सरकार भी अच्छा काम कर रही है, हर एक सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है, आगे क्या आपका लक्ष्य, आगे और क्या कुछ गांव में विकास कराने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके पास 2.5 से 3 साल अभी और हैं। हाँ, तो आगे पहले तो CC करवाएंगे पूरे गाँव में जो मचे हैं, तो CC करवाएंगे और पुलियां भी बनवाना है, पुलियां जो मतलब मेन रोड जाने के लिए खेतों की तरफ, तो पुलियां भी बनवाना है, तो जैसे जैसे बजट आता जाता तो काम करवाते जा रहा है, जो जरूरी जो जहाँ जरूरी है तो वहाँ पहले करवा रहे हैं। वृक्षारोपण के बारे में क्या कहेंगे? प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्याओं में वृक्षारोपण कराए जाते हैं, वृक्षारोपण कराए जाते हैं, ज्यादा लक्ष्य दे देते उतना देख रेख नहीं हो पाती है, अगर कम लक्ष्य दें और उसकी अच्छे से देख रेख करवाएं तो हो सकती है, लेकिन अब 10,000 का लक्ष्य दे दिया और 10,000 लगवाते हैं, गाय खा जाती हैं, उनको देख रेख नहीं हो पाती है। अच्छा देख रेख, अच्छा खा जाते हैं, मतलब पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कुछ पानी नहीं। जैसे कि भाई साहब का भी यही कहना है कि जो लक्ष्य है उनको वृक्षारोपण का दिया जाता है वो अधिक संख्या में दिया जाता है, जिसका उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है, देख रेख नहीं हो पाती है, और उनको इस तरह कोई निधि भी उनको नहीं दी जाती चूंकि वो सुरक्षा में भी वो लगा सके और वहां पे सुरक्षा करने वालों की भी वो वहां पे तैनात कर सके, चूंकि जो वृक्षों की सुरक्षा कर सके, ये सब चीजें वहां पे जो लक्ष्य से भी ज्यादा वहां पे पकड़ा थमा दिए जा रहे हैं, जो कि कुछ समय बाद होते ही
बहुत सारे जो वृक्ष है वहां पर पौधे लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण करवाया जाता है, वो सारे वहां पर नष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करवाए जा रहे हैं और हर गांव में करवाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार चाहे कितना भी प्रयास कर ले और कितनी भी धनराशि क्यों ना वो लगाए, लेकिन होना कहीं ना कहीं जो लापरवाहियों के कारण, कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत कहा जा सकता है कि उनकी लापरवाहियों के कारण जो दावे सारे, जो सरकार का प्रयास रहता है वो बीच में ही फैल होते हुए देखा जाता है। तो हजारों की संख्या में अभी आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में वृक्षारोपण कराए जाते हैं, लेकिन अगर हम धराताल की बात करें तो वहां पर कुछ ही संख्या में वहां पर मौजूद देखे जाते हैं। वजह और कारण भी बताया जा रहा है कि क्या वजह, क्या कारण रह जाता है कि जिस कारण वहां पर नहीं देखे जा रहे हैं। साफ तौर पर जनप्रतिनिधियों का यही कहना है कि वहां पर सुरक्षा देखभाल नहीं हो पाती है, जिस कारण वहां पर नहीं होता है, वहां पर वृक्ष नहीं देखे जा रहे हैं। अगर हम और बात कर लें, जैसे कि अगर शमशान घाट की बात कर ले, शमशान घाट है प्रयोग में नहीं, अभी नहीं है, लेकिन चिन्हित कर लिया है, सोच रहे हैं उसको करवाने का जी। तो अब उसको आवेदन देंगे क्योंकि पंचायत से तो बजट उतना नहीं रहता तो नहीं करवा पाते, तो हो सका जिला से करवाएं। मतलब अब मतलब जो आगे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, तो इनसे करवाएंगे। आप हमें पढ़े लिखे और एक अच्छे सक्षम व्यक्ति भी लग रहे हैं, जागरूक भी आप लग रहे हैं। थोड़ा हम सरकार के, वर्तमान सरकार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मतलब अगर हम देखा जाए, जनपद की हम बात करेंगे, गांव की भी हम बात करेंगे, आज के समय में युवा पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, अब तो तकनीकी का समय भी आ चुका है, तकनीकी भी बहुत आगे पहुंच चुकी है, बेरोजगारी आज के समय में बहुत चरम सीमा पर दिखी जा रही, लोगों का कहना होता है, तो ऐसा सरकार को क्या करना चाहिए जो कि लोगों को रोजगार मिल सके। रोजगार के लिए सरकार कर रही है, हमारे यहाँ ये ड्रग पार्क आ रहा है, इसमें बहुत सारा रोजगार मिलेगा, रोजगार की तरफ ध्यान है सरकार का, तो कर रही है। बाकी अगर हम सरकार का ये भी कहना है कि हम लोगों को स्वरोजगार पहुंचाने का भी काम करें, जैसे जो बेरोजगार है, पढ़े लिखे भी जाते हैं, तो उनको जो ऋण है, मतलब लोन है, तो लोन भी उपलब्ध कराने का काम करें। कई ऐसे प्रशिक्षण वो चला रहे हैं, जैसे कौशल विकास अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन का भी वो करवा रहे हैं, हेल्थ केयर का भी वो लगातार करवा रहे हैं, ब्यूटीशियन का भी वो करवाते हैं, और हॉस्पिटल आरटीटी का भी वो करवा रहे हैं। तो ये सब जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, लोग इसका किस तरह यहाँ पे लाभ लेते हुए देखे जा रहे हैं, और क्या वाकई में जिस तरह वो दावे कर रहे हैं, जिस तरह जो तमाम योजना चला रहे हैं, क्या लोग इनका लाभ ले पा रहे हैं, जैसे लोगों को लोन भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं प्रशिक्षण देने के बाद? नहीं, जो लोग इच्छुक हैं वो कर रहे हैं जी। जो लोन भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, जिसको करना है तो करना है, जिसको नहीं करना तो घर बैठे हैं। तो जो इच्छुक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं बच्चे, जो कर रहे हैं वो। तो ये हमारे साथ ग्राम करौंदा प्रधान जी के साथ खास चर्चा थी, और जैसे कि उन्होंने तमाम समस्याओं पर सुझाव रखे, और जो सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं वो किस तरह लोगों तक पहुंच रही हैं, और उन पर भी उन्होंने अपनी बात कही, और वर्तमान हालातों के बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह वहां पर सड़कें दम तोड़ती हुई देखी जा रही, क्या क्या समस्याएं हो रही है, क्या क्या वहां पर अभाव वहां पर देखा जा रहा है, क्या कुछ वहां पर जागरूकता लोगों में देखी जा रही है, और बेरोजगारी पर भी खास उनके साथ चर्चा रही। तो उन्होंने तमाम समस्याओं पर अपने सुझाव रखे। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेकर चलेंगे, और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, फिलहाल के मुझे दीजिए इजाजत।